अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद एहसानुल हक आजिज कादरी। आप देख रहे हैं हमारे एटीवी न्यूज़ की टेस्ट ट्रांसमिशन। आज का प्रोग्राम जड़ामाला की आवाज़ में आपके पास लेकर हाजिर हूँ। एक बार फिर आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हमारे माशरे की एक ट्रेजडी ये भी रही है कि जब भी कोई नया ऑफिसर, नई शख्सियत शहर में इन होती है तो आते ही वो काम की तरफ बड़ी तवज्जो करते हैं कि ये करा दो, वो करा दो, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन कुछ वक्त गुजरता है तो वही ऑफिसर होते हैं, वही आवाम होती है और आवाम बदहाल होती है। आज हम आपको जड़ामाला का एक अहम मसला दिखाने वाले हैं जिसका नाम है सफाई सुथराई। आज आपको मैं दिखाऊंगा कि जड़ामाला में असिस्टेंट कमिश्नर जनाब जैनुल आबिदीन साहब जब आए थे तो हमने ही उनको हाईलाइट किया था, उनके कामों को अप्रिशिएट किया था। लेकिन अफसोस, जब वक्त गुजरने के साथ साथ उनके दावे, उनके काम वो ठंडे पड़ गए हैं। और हम आपको आज दिखाएंगे कि जड़ामाला शहर के अंदर की सूरत हाल क्या है और जड़ामाला के कहां कहां पर वो फ्लथ डिपो बने हुए हैं। जड़ामाला का शहर जो है, अभी आपने स्क्रीन पर हमारे जो मनाजर देखें, ये फैसलाबाद रोड से हम जब आ रहे होते हैं तो ये रोड के मनाजर हैं जहाँ पर रोड के साथ साथ पूरा क्रिकेट पड़ा हुआ है। हम आपको शहर के अंदर लेकर जाएंगे, मुख्तलिफ जगहें दिखाएंगे और वहाँ पर दिखाएंगे कि कौन सी अहम जगहें हैं जहाँ पर ये कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, हालांकि वहाँ पर नहीं होने चाहिए। आपने बस इतना करना है कि हमारे साथ रहना है। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाकर आल पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे और आप जड़ामाला शहर के मसाइल से आगाह रहें। आइए हमारे साथ रहिएगा। वेस्ट किनाल रोड पर ये नहर का एरिया जो है, सुबह के वक्त लोग जो है यहाँ पर सैर सपाटे के लिए खसूसी तौर पर वॉक के लिए यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर अगर मेरे पास मंदिर में आप देख सकें तो एक मशहूर स्कूल है जो कि महंगा तरीन स्कूल गिना जाता है जड़ामाला के स्कूलों में। और इसके सामने बिल्कुल जहाँ पर कौम के मामार तैयार होते हैं उनके सामने उनको हम तहफ़ ज़्यादा जो माहौल है वो फराहम कर रहे हैं। चाहिए तो इनको कि पार्क वगैरह यहाँ पर बेहतरीन हालत में दिया जाए, लेकिन तलबा के लिए सुबह जब आते होंगे तो ये तहफ़ ज़्यादा माहौल इनका इस्तकबाल करता होगा। और जब ये छुट्टी करके जाते होंगे तो तब भी ये माहौल इनकी ज्यारत करके फिर वो घरों को जाते होंगे। ये जड़ामाला की इंतज़ामिया के ना अहली का मुँह बोलता हुआ सबूत है कि ये आप देख सकते हैं कि जो मनाजर यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, हम आपको आगे लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि जड़ामाला की किस किस जगह पर कूड़े के इसी तरह ढेर जो है वो नज़र आ रहे हैं और इंतज़ामिया सब अच्छा की रिपोर्ट देने में मसरूफ़ है। आइए हमारे साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं जड़ामाला का वाहिद अकेला जना स्टेडियम, उसके गेट पर खड़े हैं और इसके सामने अगर देखा जाए तो जना पार्क मौजूद है यहाँ पर, जो जिसका पुराना नाम वाटर वर्क्स पार्क है। यहाँ पर लोग सुबह के वक्त तफरी के लिए आते हैं और इस स्टेडियम में बच्चे खेल के लिए आते हैं। अगर मेरे कैमरा मैन दिखा सके तो इस वक्त भी वो बच्चे खेल में मसरूफ़ हैं, हम आपको अभी दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो गेट पर जो हमारे जो यहाँ पर फ्लथ डिपो बना हुआ है, इसके बारे में मैं क्या कहूँ, समझ नहीं आ रहा। लेकिन
किसी दानिश्वर ने कहा था कि जहाँ के खेल के ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ के अस्पताल वीरान हो जाते हैं, लेकिन खेल के ग्राउंड अगर ऐसे माहौल में होंगे तो अस्पताल कैसे वीरान होंगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये अभी आपको एक गेट के मनाजर दिखा रहे हैं, हम आपको दूसरे जो गेट हैं इस जना स्टेडियम के, हम वो भी आपको दिखाते हैं, आइए अभी हमारे साथ रहिएगा। जी नागरिक, इस वक्त हम मौजूद हैं सैनवा चौक के अंदर। सैनवा चौक वो जगह है कि जहाँ पर कहने की हर तरह की सरगर्मियाँ जो है इस चौक में जारी सारी रहती है, 24 घंटे ये काम यहाँ पर होता रहता है। और सैनवा चौक की आप लोकेशन आपको बताऊँ कि जहाँ पर एक तरफ बॉयज स्कूल नंबर 2 है और दूसरी तरफ गर्ल्स स्कूल है, दोनों पर और बिल्कुल दोनों स्कूलों के सामने ये जगह जो मेरे सामने आपको नजर आ रही है, इस जगह पर पूरा क्रिकेट के खेल जो है वो हर वक्त लगे रहते हैं। और मजेदार की बात है कि यहाँ की जो जामा मस्जिद ताज है, मस्जिद जामा मस्जिद, वो भी इसी चौक में वाकई है, जो कि पूरे एरिया के जो लोग हैं वहाँ पर तहकाम मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं। लेकिन वो भी जो ताजुल वाला माहौल जो है उसको छीन कर फिर मस्जिद में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे इस माहौल से गुजरकर स्कूलों को जाते हैं। ये है हमारे शहर के कारपोरेशन वालों की कारकर्दगी, लेकिन अभी कारकर्दगी ख़त्म नहीं हुई है, हम आपको आगे लेकर चलते हैं, मस्जिद दिखा देते हैं। इस वक्त आप मौजूद हैं लाहौर रोड जो मेन रोड है इसके ऊपर लंगर मस्जिद चौक है, यहाँ पर अगर आपको दिखा सके तो आपको ये पूरा क्रिकेट नजर आ रहा है, ये सड़क के ऊपर तक फैला हुआ है, लेकिन यहाँ की जो सूरत हाल इतना क्राउडफुल है कि खड़ा होना मुश्किल है। लेकिन मेरी मजबूरी है कि यहाँ पर खड़े होकर बात करना मजबूरी है, और यहाँ पर जो रहने वाले हैं उनका क्या हाल होगा ये वही जानते हैं, जानना चाहता है। अच्छा सर, बताइएगा कि आप इस माहौल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं? यहाँ पर जाहिर है कि खाना पीना भी जो रहते हैं यहाँ पर, उन्होंने खाना पीना भी है, लेकिन उनका खाना पीना किस अंदाज से होगा ये समझ नहीं आ रहा है। मामला क्या करें सर, आपका नाम क्या है? अच्छा सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? लेकिन ये जो इतना गंद पड़ा रहता है, मैं अक्सर देखता हूँ सुबह शाम, मैंने यहाँ से गुजरता होता है, मैं देखता हूँ साढ़े महल गलियों में भी इस तरह ही गंद। अच्छा जी, सारी गलियों में भी ऐसा ही ऐसे ही? अच्छा, यहाँ से वो ईसाई है यहाँ पर जो वो आते हैं वो पैसे लेकर चल जाते हैं, प्रभाव प्रभाव को भी नहीं सामने करती, पैसे दे रहे हैं वो काम करते हैं, पैसे आप चक्कर देते हैं पूरा आप देते हैं, कितने पैसे देते हैं? और हर घर हर महीने बाद नहीं, महीने बाद ही दूसरे दूसरे। अच्छा, दूसरे दूसरे के दादा पूरा भी इस तरह गंदगी है, दुकाना ने भी यार जमा जुमा बेलन दे आ गए। अच्छा, कुछ पैसा ना इन्होंने कोई नहीं लगा सर, चाय वगैरह जो फ्री पीते हैं वो आपके ठीक है ना, उन्होंने कहना झट नहीं मारना घटा उठता। अच्छा, अगर कभी ऐसा मुश्किल है कि आपने चाय बजाने से इनकार कर दिया या जवाब देते कोई ऐसा मामला होता है तो आगे से मुकाबला कर दे, सारी मजबूरी है। अच्छा सर, आप जब बाकी गए तो उन्होंने क्या आपको कहा, क्या कह रहे हैं? अब कपड़े यहाँ पर गए पैसे जो है पीते हैं तो काम करते हैं, पैसे पीते काम करते हैं। हमारे साथ जड़ा वाला के एक नौजवान मौजूद हैं, मैं इनसे पूछूंगा वो भी कि यहाँ के रहने वाले हैं। हसनैन भाई, आप इस सूरत हाल पर क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा इस तरफ आते हैं? मैं सबसे आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो नुमाइंदगान है जिन्हें हमने सेलेक्ट किया है उन्हें होस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर रहना है वो क्या होता है यहाँ पर गाड़ी बुला के लेके वहाँ उन्होंने नहीं रहना तो उन्हें नहीं पता इस चीज़ का, हमने यहाँ रहना है गंदगी है जैसे कि हमने यहाँ पर रहना है, हमें पता है हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं हम बीमार हो रहे हैं, हमने यहाँ से स्कूल गुजर के जाना होता है तो हमें दुश्वारी होती है, उनको दिक्कत की कोई दिक्कत नहीं, तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि गुजारा जल्द से जल्द जितना भी जल्द हो सके इसको पाया जाए, कि यहाँ पर नहीं है मैं आपको कहीं और जगह पे ले के चलता हूँ, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है, तो उनसे यही कृपा है गुजारा इस पर अमल करा। जी
जी नाजरीन, जिस तरह की हमने आपको पूरे शहर की सूरत हाल दिखाई थी, गढ़ा वाला शहर जो पूरा है वो फलक भिक्खु का मंदिर पेश कर रहे हैं और हमारे अफिसरान जो है वो सब अच्छा की रिपोर्ट देने के मौजूद है, लेकिन आवाम जो है वो दिलील हो रही है और इनका कहना है कि जो MPA MLA साहबान हैं वो गाड़ी भगाते हैं तो यहाँ से गुजर जाते हैं, AC साहब गाड़ी भगाते हैं तो यहाँ से गुजर जाते हैं, लेकिन रहते ये हैं हेपेटाइटिस सी के मरीज ये पड़ रहे हैं, मलेरिया के मरीज ये पड़ रहे हैं, डेंगू का शिकार ये हो रहे हैं और वो आए दिन वो ड्रामेबाजी शुरू हो जाती है कि जनाब आप डेंगू के बारे में मुहिम शुरू कर दी तो फ्लैक्स लगा दिए जाए, वो जनाब बबल सिटी कर दी जाए, इदारों को टांगा दिया जाए, लेकिन अमली तौर पर ये काम कौन करेगा, ये इंतजामिया ने करने हैं, म्यूनसिपल पुलिस वालों ने करने हैं, जो कि नहीं कर रहे। हम आज जो प्रोग्राम है हमने आपको दिखाया जनावाला की आवाज़ में कि जनावाला की आवाज़ क्या है, जनावाला की आवाज़ ये है कि गली गली में कूड़ा फैला हुआ है, जनावाला की आवाज़ ये है कि ये जो खाद रूप है ये कहते हैं कि हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही और हर दूसरे तीसरे 10-20 रुपये फ्री घर से ले रहे हैं, जनावाला की आवाज़ ये कह रही है कि हम बीमार हो रहे हैं हमें बचाया जाए, जनावाला की आवाज़ ये कह रही है कि स्टेडियम में कूड़ा पड़ा हुआ है, चारों गेटों पर तीनों गेटों पर वो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उनको उठवाया जाए, वहाँ पर बच्चे खेलते हैं, जनावाला की आवाज़ आपने सुन ली। मजीद हम आपको प्रोग्राम इसी तरह का दिखाते रहेंगे और ये जो इंतजामिया सब अच्छा की राग अलापती रहती है, हम इनकी कलई खोलते रहेंगे, इनको बेनकाब करते रहेंगे, आपने हमारे साथ रहना है। मैं इसी के साथ आपसे इजाजत लेना चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले कहूँगा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर आल पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले जो है वो आप तक पहुँचती रहे। जब तक कोई नया मौसम लेकर मैं आपके पास दोबारा हाजिर नहीं होता, तब तक के लिए अपने मेजबान मोहम्मद एहसान उल्हक आजिज़ कादरी और इराबे मौसम सरवर साहिब, राणा जहीद बाबर साहिब और हसैन साहिब, हसन रजा अतारी साहब, सबको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हम सबका हाफ़िज़ हो। पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम।